नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस खास वीडियो में। सनातन परंपरा में जिस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवोत्थान या फिर कहें देव उठनी एकादशी पर श्री हरि अपनी योग निद्रा से जागते हैं और उसमें शादी ब्याह जैसे मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है, देव उठान एकादशी का हिंदू धर्म में खास महत्व है। इस दिन देवता जागृत होते हैं और इस दिन से चातुर्मास का समापन होकर शुभ मुहूर्त काल का आरंभ माना जाता है। इस साल देव उठान एकादशी 23 नवंबर को मनाई जाएगी और उसके अगले दिन तुलसी विवाह होगा। देव उठान एकादशी को एक अभूज मुहूर्त माना जाता है और इस दिन से शादी ब्याह और सभी शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन से सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु और समस्त देवता 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और अपना अपना कार्यभार ग्रहण कर लेते हैं। देवताओं के जागने के बाद ही सभी शुभ कार्य किए जाते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि देव उठान एकादशी का शुभ मुहूर्त और महत्व। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको समस्त जानकारी देने वाली हूं, तो वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। आइए जानते हैं कि देव उठान एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। देव उठान एकादशी की तिथि का आरंभ 22 नवम्बर को रात में 11:03 पर होगा और समापन 23 नवम्बर को रात में 9:01 पर होगा। इस प्रकार देव उठान एकादशी का व्रत 23 नवंबर को गुरुवार को रखा जाएगा। व्रत का पारण 24 नवंबर को सुबह 6:00 से 8:13 तक करना शुभ होगा। आइए अब बात करते हैं देव उठान एकादशी के महत्व के बारे में। देव उठान एकादशी के दिन से भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से बाहर आ जाते हैं और उसके बाद वे सृष्टि का कार्य देखने का अपना कार्य आरम्भ कर देते हैं। उसके बाद देव उठान एकादशी के दिन से भगवान विष्णु पाताल लोक छोड़कर वापिस वैकुंठ धाम आ जाते हैं। चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु देव शयनी एकादशी के दिन से देव उठनी एकादशी तक पाताल में वास करते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन से आरंभ होकर विवाह, मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। दोस्तों, देव उठान एकादशी पर तुलसी पूजा का महत्व। देव उठान एकादशी पर तुलसी माता की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन तुलसी के चारों और आटे और हल्दी से स्तंभ बनाकर उनकी पूजा की जाती है और उनकी परिक्रमा की जाती है। इस दिन तुलसी के साथ आंवले का गमला भी लगाना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन शंख, चक्र और गाय के पैर बनाकर उनकी पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाने वाली इस एकादशी का व्रत करने वालों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। हालांकि इस दिन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तो आइए जानते हैं कि देव उठनी एकादशी के क्या नियम है और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। देव उठनी एकादशी व्रत में क्या करें। नंबर 1, देव उठनी एकादशी के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। नंबर 2, मान्यता के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीपक अवश्य जलाएं। नंबर 3, देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन भी करना चाहिए। नंबर 4, देव उठनी एकादशी के दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। नंबर 5, साथ ही देव उठनी एकादशी के दिन किसी गरीब व्यक्ति या फिर गाय को भोजन अवश्य खिलाना चाहिए। देव उठनी एकादशी को क्या ना करें। नंबर 1, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 2, देव उठनी एकादशी के दिन किसी दूसरे का दिया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 3, साथ ही एकादशी के दिन किसी के प्रति मन में बुरी भावना नहीं रखनी चाहिए। नंबर 4, देव उठनी एकादशी के दिन खाने में गोभी, पालक, शलगम जैसी सब्जी भूलकर भी ना बनाएं। नंबर 5, देव उठनी एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। नंबर 6, देव उठनी वाले दिन घर के सदस्यों को बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। नंबर 7, देव उठनी एकादशी के दिन किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें और इसके अलावा किसी को अपशब्द भी ना कहें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। दोस्तों, कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिन्हें करने से हमारे जीवन की बहुत सारी परेशानी दूर हो जाती है और हम एक सफल जिंदगी जी सकते हैं। इसीलिए हमें कुछ उपाय विशेष दिनों पर अवश्य ही करने चाहिए। नंबर 1, तुलसी का उपाय। धार्मिक मान्यता के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी की पूजा अत्यंत शुभ फलदायी साबित होती है। इस दिन जल में कच्चा दूध मिलाकर तुलसी माता को अर्पित करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही इस दिन तुलसी माता को रौली, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, चुनरी, 16 श्रृंगार की
वस्तुएं और भोग अर्पित करना अच्छा रहता है। इसके अलावा कपूर और घी का दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती करनी चाहिए। अगर कुंडली में आपके किसी ग्रह का दोष हो तो तुलसी की पूजा करके थोड़ी सी जड़ निकाल लें। इसके बाद इसे लाल रंग के कपड़े या फिर तावीज़ में डालकर बांध लें। इसी के साथ शाम के समय सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और तुलसी नामष्टक का पाठ करें। तुलसी नामष्टक स्तोत्र में तुलसी जी के 8 नाम हैं। मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी नामष्टक का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। तो दोस्तों, आप भी इस दिन स्नान दान पुण्य और व्रत आदि करें, क्योंकि एकादशी के दिन ही इसका विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही सूर्य भगवान का आशीर्वाद जरूर लें। नंबर 2, अब जानते हैं गाय का उपाय। धार्मिक मान्यता है कि गाय को खिलाई गई कोई भी चीज सीधे देवी देवताओं तक पहुंचती है। इसीलिए पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है। गाय के लिए पहली रोटी निकालने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। माना जाता है कि एकादशी पर गाय को तिल खिलाने से दुख और दरिद्रता दूर होती है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दिन आपको गाय को तिल गुड़ खिलाना चाहिए और फिर उसे पानी देना चाहिए, जिससे आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे और आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। बता दें कि इस दिन काले तिल का दान करने से पितृदोष, राहु केतु और शनि के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन साधु संतों को तिल का दान करता है उन्हें स्वर्ग मिलता है। इस दिन तिल से भरे तांबे के कलश को वैदिक ब्राह्मणों को दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाओं को सौभाग्य की वस्तुओं के साथ तिल का दान करना चाहिए, जिससे उनके सुहाग की रक्षा होगी। इस दिन तिल से बनी सामग्री का दान करने से बड़ा दुख टल जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 3, दिया और दीपक का उपाय। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में ये रखनी चाहिए कि अपने घर के मंदिर में रोजाना ही आपको दीपक जलाना चाहिए। अगर घर के मंदिर में या फिर घर में शाम के समय दीपक नहीं जलाया जाता तो इससे आपके घर का वातावरण बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो होता ही है, साथ ही आपके घर की परेशानी भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगती है। कहा जाता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है, ऐसे में देव उठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, शाम को पेड़ के नीचे दीपक लगाएं। इस उपाय को करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। नंबर 4 पर बात करते हैं नमक के उपाय की। अगर आपका मन बहुत अशांत रहता है या आपके अंदर अलग अलग तरह के विचार चलते रहते हैं या फिर आप किसी प्रकार की चिंता से घिरे हुए हैं तो इससे आपका स्वास्थ्य गिरता जाएगा। इसीलिए अपने मन की शांति के लिए नमक मिले जल से स्नान करने से शरीर तो शुद्ध होगा ही, लेकिन साथ ही मन की बेचैनी भी शांत हो जाएगी। इससे आपका भाग्य उदय हो जाएगा, नौकरी व्यापार में तरक्की हो जाएगी, माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएगी, भगवान शनि आपके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाएंगे, आपका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा, यहाँ तक कि आपका शुक्र भी मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि शाम के समय कभी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। जब आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि चली जाती है, साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद हो जाता है, इसीलिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए। नंबर 5 पर चावल यानी कि अक्षत की बात करते हैं। दोस्तों, आप सभी तो जानते ही हैं कि हमारी पूजा में अक्षत यानी चावल का कितना महत्व है। बस इतना ध्यान में रखना जरूरी है कि अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों पूजा में अक्षत को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। दोस्तों, एकादशी के दिन घर की किसी महिला से अन्य किसी महिला को चावल दान करवाएं, ऐसा करना शुभ माना जाता है और इससे घर में सुख समृद्धि आती है। एकादशी के दिन हल्दी के साथ चावल मिलाकर सूर्य देव को समर्पित करें, ऐसा करने से कुंडली में सूर्य की कमजोर स्थिति भी मजबूत हो जाती है। विगत 4 माह से मांगलिक कार्य बंद थे, लेकिन पंचांग के अनुसार अब देव उठनी एकादशी से भगवान विष्णु पूरी सृष्टि का कार्यभार संभालेंगे और इसी दिन से शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाएंगे। जिस दिन भगवान विष्णु जागते हैं उस दिन सभी भक्त उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे में एकादशी पर्व पर हिंदू धर्म में पूरे दिन उपवास रखकर शाम को श्रीहरि और माता तुलसी की शादी कराने की परंपरा है, जिससे सभी घरों में शुक्रवार को एकादशी पर्व मनाने की तैयारी जोरों पर चल रही है। अब आपको बताते हैं 11 दिए जलाने क्यों होते हैं शुभ। देव उठान एकादशी की तिथि का आरंभ 22 नवंबर को रात में 11:30 पर होगा और समापन 23 नवंबर को रात में 9:01 पर होगा। पूजा करने से
पहले घर की महिलाएं चूना और आटे से रंगोली बनाती हैं। इसके बाद गन्ने का मंडप तैयार कर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप की पूजा होती है। इस पूजा में विशेष रूप से 11 दिए जलाए जाते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन गन्ने और सूप का महत्व। इसी के साथ देव उठनी एकादशी के दिन गन्ने की पूजा का महत्व है। इस दिन गन्ने की फसल की कटाई शुरू हो जाती है। गन्ने की कटाई से पहले इसकी पूजा की जाती है। इसके बाद इसे भगवान विष्णु को चढ़ाया जाता है और प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। गन्ने की पूजा करने से घर परिवार में मिठास बनी रहती है और सुख समृद्धि आती है। गन्ने को मीठे का शुभ स्तोत्र माना जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन घरों, मंदिरों और मठों में पूजा अर्चना की जाती है और दीप दान किया जाता है। इस दिन तुलसी विवाह भी होता है। देव उठनी एकादशी को देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। देव उठनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में अब बात कर लेते हैं। नंबर एक, इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। नंबर दो, अपने सारे घर की साफ सफाई करें। नंबर तीन, स्वच्छ होकर मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। नंबर चार, चौकी पर भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। नंबर पाँच, भगवान विष्णु को तिलक लगाएं, घी का दीपक जलाएं और प्रसाद चढ़ाएं। नंबर छः, भगवान विष्णु का गंगा जल या फिर पंचामृत से अभिषेक करें। नंबर सात, भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। नंबर आठ, भगवान विष्णु की आरती करें। नंबर नौ, भगवान को भोग लगाएं, माता लक्ष्मी की पूजा करें, घर के सभी लोगों में प्रसाद बांटें। इसके पश्चात अपने व्रत का पारण करें। जानिए एकादशी व्रत का पारण कैसे करें। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्य उदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्य उदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्य उदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण ना करना पाप करने के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली एक चौथाई अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्यान्ह के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्यान्ह के बाद पारण करना चाहिए। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार दो दिनों के लिए हो जाता है। जब एकादशी व्रत दो दिन होता है तब सामर्थ्य परिवार जनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत दो दिन होता है तब तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है। भगवान विष्णु का प्यार और स्नेह के इच्छुक परम भक्तों को दोनों दिन एकादशी व्रत करने की सलाह दी जाती है। देव उठनी एकादशी के दिन व्रत रखा जाता है। व्रत एकादशी से एक दिन पहले दशमी से शुरू होता है जो पारण मुहूर्त के बाद द्वादशी तक चलता है। देवोत्थान एकादशी की कथा। प्राचीन काल में एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकर से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन पड़ोसी राज्य का एक व्यक्ति आया और राजा के पास पहुंचकर उनसे नौकरी देने का आग्रह किया। राजा ने उसे नौकरी तो दी, साथ ही उसे एकादशी का नियम भी बता दिया। फलों में उसे तृप्ति नहीं हुई तो उसने राजा से अनुनय विनय कर आटा, दाल, चावल आदि लिया और नदी किनारे स्नान कर भोजन बनाया और भगवान से आकर उस भोजन को ग्रहण करने का आग्रह किया। भगवान आए और उसके साथ बैठकर भोजन करके चले गए। अगली एकादशी पर उस नौकर ने दोगुना राशन मांगते हुए कहा कि उसके साथ तो भगवान भी भोजन करते हैं। राजा को विश्वास नहीं हुआ तो उसने कहा, आप छिपकर देख सकते हैं। उसने नदी किनारे भोजन बनाकर भगवान को बुलाया किंतु वो नहीं आए तो वो नदी में कूदकर जान देने के लिए आगे बढ़ा। भगवान ने अपने भक्त की बात सुनी और आकर साथ में भोजन किया। उस दिन से राजा ने सोचा कि मन शुद्ध ना हुआ तो व्रत उपवास सब व्यर्थ है। इसके बाद राजा शुद्ध मन से उपवास करने लगा। इस दिन जो व्यक्ति शुद्ध मन से उपवास और विष्णु भगवान की पूजा करता है उसे भगवत प्राप्ति होती है। अब दोस्तों, हिंदू धर्म में देव उठनी एकादशी बेहद खास मानी जाती है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके अलावा तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह भी कराया जाता है।
जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा के बाद जागते हैं, जिससे सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। 1, भगवान विष्णु को लगाएं पंचामृत का भोग। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा में पंचामृत होना बेहद जरूरी होता है। बिना पंचामृत के भगवान विष्णु को भोग नहीं लगाया जाता, इसीलिए एकादशी तिथि के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को दूध, शहद, घी, शक्कर से बने पंचामृत का भोग अवश्य लगाएं, इससे सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है। 2, भगवान विष्णु को लगाएं दूध का भोग। भगवान विष्णु को दूध का भोग अवश्य लगाएं। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर है तो उसे देव उठनी एकादशी के दिन विष्णु जी को दूध का भोग लगाना चाहिए, इससे धन और मन दोनों में विस्तार होगा और व्यक्ति की सभी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। 3, भगवान विष्णु को लगाएं सिंघाड़े का भोग। सिंघाड़ा माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है, इसीलिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु को सिंघाड़े का भोग जरूर लगाएं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु को भोग लगाने से माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति की सभी परेशानियां भी दूर हो सकती हैं, इसीलिए इस तिथि के दिन सिंघाड़ा का भोग जरूर लगाएं। 4, भगवान विष्णु को लगाएं तिल का भोग। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन तिल का भोग लगाने से व्यक्ति को सभी पापों से छुटकारा मिल सकता है। इस दिन तिल का विशेष महत्व बताया गया है, इसीलिए इस दिन तिल का दान जरूर करें। ऐसा करने से व्यक्ति कभी नरक नहीं जाता। 5, भगवान विष्णु को लगाएं गन्ने का भोग। इस दिन तुलसी विवाह भी होता है, इसीलिए गन्ने का मंडप बनाकर पूजा की जाती है और भगवान विष्णु को भोग भी लगाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु को गन्ना चढ़ाने से सुख शांति की प्राप्ति होती है। 6, भगवान विष्णु को लगाएं केले का भोग। भगवान विष्णु को केले बहुत प्रिय हैं, इसीलिए जब भगवान योग निद्रा से जागते हैं तो उन्हें केले का भोग लगाया जाता है, इससे धन वृद्धि होती है और सभी समस्याओं से छुटकारा भी मिल सकता है। धार्मिक मान्यता है कि नींद से जागने के बाद भगवान विष्णु सबसे पहले तुलसी की पुकार सुनते हैं, इसीलिए इस दिन लोग तुलसी की पूजा भी करते हैं। इस विशेष एकादशी पर यदि राशि के अनुसार कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। 1, देव उठनी एकादशी पर मेष राशि करें ये उपाय। अगर इस राशि के लोग जीवन में सुख समृद्धि और शांति चाहते हैं तो देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को गुड़ का भोग लगाएं। इसके साथ ही धन प्राप्ति और कर्ज से मुक्ति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें। 2, देव उठनी एकादशी पर वृषभ राशि करें ये उपाय। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करें और भगवान विष्णु को पंचामृत और पंचीरी का भोग लगाएं, आपको मान सम्मान मिलेगा। 3, देव उठनी एकादशी पर मिथुन राशि करें ये उपाय। इस राशि के जातकों को देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें तुलसी दल अर्पित करना चाहिए, इस उपाय से आपके जीवन में वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी। 4, देव उठनी एकादशी पर कर्क राशि करें ये उपाय। कर्क राशि के जातकों को तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए और उनके सामने घी का दीपक जलाना चाहिए और प्रसाद चढ़ाना चाहिए, इसके साथ ही कनक धारा स्तोत्र का पाठ भी करें। 5, देव उठनी एकादशी पर सिंह राशि करें ये उपाय। इस राशि के लोगों को अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए दक्षिणावर्ती शंख में दूध और गंगा जल डालकर भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। 6, देव उठनी एकादशी पर कन्या राशि करें ये उपाय। अगर आपके जीवन में नौकरी या बिजनेस से जुड़ी कोई समस्या आ रही है तो देव उठनी एकादशी के दिन गाय को हरा चारा और गुड़ खिलाएं। 7, देव उठनी एकादशी पर तुला राशि करें ये उपाय। इस राशि के लोगों को देव प्रबोधनी एकादशी पर पूजा के दौरान भगवान विष्णु को पीली मिठाई, पीले वस्त्र और पीले फूल चढ़ाने चाहिए, इस उपाय से तनाव से राहत मिलेगी। इसी के साथ प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।